आप जी देख रहे हैं ना सामने छोटा सा मढ़िया भगवान भोलेनाथ की। तो आज एक लोटा जल हम लोग यही चढ़ाने वाले हैं। देखिए कितना बड़ा पीपल का झाड़ है यहाँ पर, और नर्मदा मैया के भी दर्शन है। बहुत ही सुंदर नर्मदा किनार पर ये मंदिर है। तो चलिए एक लोटा दर्शन जल हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। श्री श्री 1811 मुखी हनुमान जी मंदिर, कोरी घाट, नर्मदापुरम। तो चलिए चलते हैं। गौ माता भी सुंदर है जो अपने बच्चे को साथ में लेके घूम रही है। देखिए बहुत ही प्यारी गौ माता, ये कितना सुंदर बच्चा है इसका। दोनों माँ बेटे घूम रहे हैं नर्मदा जी किनार पर। कान्हा जी कहीं से आ जाए। आज आए हम कोरी घाट पर, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदरता शिवलिंग है। तो चलिए आज यहाँ पर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं, माँ नर्मदा जी के भी दर्शन करते हैं। हाँ कर दूँ भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। इनकी कृपा से ही सारी सृष्टि में आज सुख की लहर दौड़ रही है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में अपना शीश झुकाता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा ये मंदिर कोरी घाट पर बना हुआ है। ऊपर पीपल का झाड़ है और सामने बिल्कुल नर्मदा मैया की धारा बह रही है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये हनुमान जी महाराज भी, राधा कृष्ण है। मंदिर बंद है इसलिए ज्यादा दर्शन नहीं करा सकता हूँ। शनि महाराज भी है, साईं बाबा भी है, राम दरबार भी है। देखिए पूरी मूर्ति नर्मदा मैया सहित, सरस्वती मैया सहित। जय हनुमान जी महाराज। और यहाँ से माँ नर्मदा जी के भी दर्शन हो रहे हैं। देखिए पूरी घाट ही महाराज की जगह बहुत ही सुंदर है।